सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल रिवॉल्व का, आर्क डू और डाई का। और आज का आर्क डू और डाई का जो एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आप लोग को गाइस यहाँ पे आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। और अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप सभी को पता ही होगा, पिछले एपिसोड में हमने जो है ना गाइस एक रेक्स ओपी वाला टेम तो कर लिया, बट हम लोग इसके ऊपर राइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका सैडल बनाने के लिए हम लोग को मेल एंड फीमेल नॉर्मल रेक्स टेम करने और उनका ब्रीडिंग करा के उनका फर्टिलाइज अंडा निकालना है। उस फर्टिलाइज अंडे की मदद से ही हम इस वाले रेक्स का सैडल बना सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने एक रेक्स जो है गाइस वो तो टेम कर लिया था, बट दूसरे रेक्स को टेम करते करते मेरी भाई पेटी बन गई थी। तो मैं अभी आज के इस एपिसोड में वो दूसरा वाला रेक्स टेम करूंगा। एंड अगर हो सका तो मैं जो है ना गाइस आज के इस वाले एपिसोड में इवोल्यूशन का भाई आधा सामान भी इकट्ठा करूंगा। अपना जो रेक्स है उसको करना है हमको इवॉल्व, मैं पहले गाइस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस रेक्स को इवॉल्व करके इतना पावरफुल बनाना है ना कि सबकी बैंड बजा दे अकेला रेक्स। बाकी यहाँ पे रेक्स से, लेकिन वो फ्यूनिक्स मार रहा है वहाँ पे जाने से, तो क्या करूँ मैं, वहाँ जा नहीं सकता। इधर रेक्स से यहाँ पे वाइब्रन मार रहा है जाने से, इधर एक रेक्स से यहाँ पे बस कोई ना मारे। इस रेक्स को मैं टेम करने की ट्राई करता हूँ, रुको, मतलब मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना कोई आके मुझे मार के जा ही रहा है भाई। मंदिर के घंटे की तरह बजा रहे गाइस हम लोग को, क्या ही बताएं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तक मेरे पास दो रेक्स नहीं आते हैं तब तक मैं इन रेक्स का जो है ना गाइस वो नहीं निकाल सकता। सैडल ब्रीडिंग करा के इनका फर्टिलाइज अंडा निकालना है, उससे सैडल बनेगा, ठीक है। खतरा कितना है यहाँ पे, कोई नहीं दिख रहा यार। ओ भाई पूरा एरिया क्लियर है, इतने जल्दी कुछ भाई पूरा एरिया क्लियर है भाई। लेट्स गो, रुको 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 रुको, ए यहाँ पे तो वो वाइब्रेंट शेवरेंट ग्रिफिन वगैरह घूम रहे थे, वो कहाँ चले गए सब। हाँ नहीं, घूम रहा है एलिमेंटल है, लेकिन ए तेरे को अलग चूल मचते क्या ये, हमेशा रेक जो है वो स्टेगो से पंगे क्यों लेते रहता है ये समझ नहीं आ रहा। ये अगर स्टेगो के आपको मारा गया ना रेक, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा भाई सच में। अभी इतने ज़्यादा ओपन एरिया में काफ़ी मुश्किल से रेक्स मिलता है, एक रेक्स मिला है, ये भी अगर मारा गया ना तो देखना भाई मैं दिमाग का दही हो जाएगा। जा रहा हूँ, मैंने उसको बेहोश कर लिया है, फटाफट से जाके बस किबल खिलाना है, कोई बस मुझे उंगली करने ना है प्लीज। भाई तुम मारो, जितना मारना है मारो, उसकी टेमिंग इफेक्ट होनी, इसकी बाढ़ बजाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे रेक्स दे दो, रेक्स दे दो, चलो टेम हो जा। ओ भाई लेट्स गो, क्रायो कोई मारना दे इसको, आप बल्ले बल्ले शावा शावा। अभी स्पाइनो को थोड़ा पप्पी देखे आते हम, ठीक है रुक जाओ। पहले तो गाइस मैं लोकेशन जो है गाइस वो रेक्स की यहाँ से हटा दूँ। मजा आ गया गाइस, हमारे पास फाइनली रेक्स आ गया। मुझे लगा था इस, अच्छा सीन ये है इस मॉड में कि हर एक डेढ़ या दो घंटे में पूरे डायनो वाइप कर देता है ये मॉड खुद ब खुद, ताकि जो है ना गाइज यहाँ पे ज्यादा डायनो स्पॉन होने के रीजन से गेम ग्लिच ना हो। सो इसलिए शायद से यहाँ पे जो वाइब्रेंट एंड ग्रिफिन कल परसों वाले एपिसोड्स में घूम रहे थे वो गायब हो गए, और यहाँ पे एक स्पाइनो आ चुका है। इसका तो मरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंटल स्पाइनो है, क्या लग रहा है ना गाइज देखो भाई इनका जो ग्लो है ना, जो ये चमकते हैं ना भाई, काफी खतरनाक लगते। बुक्का मारूंगा, अगर बुक्का मारा मैंने सक्सेसफुली आपको लाइक कर देना। ले बुक्का मार दिया, मार के भाग रहा था बट भाग नहीं पाया, उसके मिनियन ने मेरी पेटी बना दी। लेकिन गाइस बुक्का तो मारा, दिखने में काफी बढ़िया था वो स्पाइनो, मैं खुश हूँ, हमको जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है। एंड अभी मैं ब्रीडिंग करके फाइनली यहाँ पे जो इनका अंडा है फर्टिलाइज वाला वो निकाल के अपने रेक्स को अल्फा वाले चला सकता हूँ, इस बात से मैं ज्यादा खुश हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, मैं हमारा सामान ले लेता हूँ। एंड पहले इनका भाई गच्चू करना है। अरे यार ये दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल अंडा नहीं दे पाएगी, मुझे एक का जेंडर परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर परिवर्तन कर दिया है, कपड़े शपड़े पहन लूँ मैं, कपड़े पहन के जो है ना गाइस मैं अभी यहाँ पे इनेबल मीटिंग इनका कर रहा हूँ, बिहेवियर इनेबल मीटिंग, और इसका भी इनेबल मीटिंग कर देना है, ओके ठीक है। इनेबल मीटिंग मैंने कर दिया, इनका जो गाइस ब्रीडिंग चालू हो चुका है। अंडा कितने टाइम में मिलेगा ब्रू, रेक्स बेटा अंडा कितने टाइम में मिलेगा, अंडा मिल रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहे हैं अंडा मिलने के लिए, ठीक है। अंडा मिलने तो कोई सीन नहीं है, अंडा रखने के लिए ना फ्रिज बनाना है भाई मुझे,
भाई फ्रिज बनाना है, गैसोलीन चाहिए ना, गैसोलीन थोड़ा सा चाहिए तुसी, भाई 18 का 18 रुक जाओ, मैं थोड़ा गैसोलीन बनाने के लिए ही डाल देता हूँ। भाई एक फ्रिज बनाइयो, ठीक है, उसके बाद बनाना है भाई जनरेटर, ठीक है, उसके बाद बनाना है भाई इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है, उसके बाद एक बनाना है आउटलेट, ठीक है, चलो आ जाओ। अभी मुझे चाहिए ऑयल, यहाँ से मैं निकालता हूँ 5000 ऑयल, भाई 5000 का इस गैसोलीन बनाने के लिए डाल रहा हूँ मैं, 5000 यहाँ से हाइट निकालना है, 5000, 10000 निकल गया, 5000 और लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ भाई 5000 और ऑयल लेके आता हूँ मैं, ये हम लोग डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, 150 नहीं भाई 5000 गैसोलीन बनने दो, मैं थोड़ा और ऑयल लेके आता हूँ, उसकी मदद से और हम लोग गैसोलीन बनाने के लिए डाल देंगे। और ये डोडो के बच्चे जो है इनको मुझे क्रायो करने दो ज़रा, ठीक है, जो फर्टिलाइज वाला अंडा होगा उसको मुझे सुरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि फर्टिलाइज वाला जो अंडा है वो सिर्फ रेक्स के काम आएगा, मतलब रेक्स का सैडल बनाने के काम आएगा, किसी और काम नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, यह अंडा किसी और का सैडल जो है वो बनाने के काम भी आ सकता है, इसलिए इसमें से भाई अंडे में से बच्चा ना निकल जाए। रुक जाओ, कितना टाइम बचा है, हाँ 80% हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट भाई वो अंडा मेरे को मिलने वाला है, ऑलमोस्ट। फ्रिज वगैरह में ले लेता हूँ यहाँ पे, जनरेटर वगैरह लगाने, डोडोस तुम्हारा काम हो चुका है, ये डोडोस का काम हो चुका है, मैं इनको फटाफट से क्राय करके पहले अंडे उठाता हूँ। एंड मुझे रुको, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है एक एक करके, अंडा दियो भाई जल्दी, हाँ अंडा दे दिया, अंडा फर्टिलाइज वाला मेरे हाथ में आ चुका है, मैं इनको क्रायो कर लूँ। अभी मुझे बनाना है एक सोल टर्मिनल, सोल टर्मिनल, इसके अंदर हम लोग हमारे डायनोज जो है गाइस उनको रखेंगे, सोल टर्मिनल में यहाँ पे लगा के रख देता हूँ उनको, लाइक ये दरवाज़ा विंडो बंद, यहाँ पे डोडोज वगैरह रेक्स वगैरह ये जो डायनोज है जो अंडे देने के काम आते हैं इनको हम लोग यहाँ पे संभाल के रख देंगे, ठीक है। बाकी फर्टिलाइज वाला जो एग है हमारा, इस फर्टिलाइज वाले एक को मेरे को एक का डबल करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ सकती है इसलिए। एंड मुझे जनरेटर वगैरह लगाना है तो मैं एक कोने में यहाँ पे जनरेटर लगा देता हूँ इस कोने में, एंड फ्रिज जो है इसके साइड में लगा दूंगा, दो फ्रिज लगेंगे इधर, लग जाएंगे ना भाई, एक के ऊपर एक लगा दूंगा मैं फ्रिज, तो मैं एक के ऊपर एक लगा दूंगा फ्रिज, फ्रिज में जो है ना गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, तीन फ्रिज बनाता हूँ मैं टोटल, तीन फ्रिज, ठीक है। इसके अंदर गैसोलीन डालना पड़ेगा, वो भी डाल देंगे, रुको, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक आउटलेट, हाइड वायर्स डन, एंड गिव मी 3 फ्रिज, ये फ्रिज हम लोग यहाँ पे लगा के रख देंगे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है गाइस वो रहेगी। अभी मुझे चाहिए गाइस गैसोलीन, जिससे हमारा जनरेटर जो है गाइस वो रन करेगा, ओके, और इसे फैब्रिकेटर भी रन करेगा, अभी डन डनाडन डन। अभी यहाँ पे मुझे वो फर्टिलाइज वाला जो अंडा है रेक्स का वो डाल देना है, ये एक का डबल हो रहे होने दो भाई, चलो मैं एक काम करता हूँ, इतने इनफ है, इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। इन अंडों को मुझे यहाँ पे स्प्लिट ऑल करके रख देना है, ठीक है, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी इन अंडों की तो हमारे पास फर्टिलाइज रेक्स के अंडे पहले से पड़े हुए होंगे, ठीक है गाइस लेट्स गो। अभी मुझे रेक्स का सैडल बनाना है, फाइनली मैं रेक्स का सैडल जो है गाइस वो बना सकता हूँ अल्फा वाले, भाई कितनी ज़्यादा भाई मेहनत करनी, क्या क्या बोल रहा है भाई, वापस बोल, अल्फा रेक्स का सैडल बनाने के लिए मुझे अल्फा रेक्स के फर्टिलाइज वाले अंडे की जरूरत है। मैंने जो फिर दो एपिसोड से सच में मेरा ये मौत मेरा दिमाग घुमा देगा, अरे सच में मैंने फालतू में मेहनत करी यहाँ पे इतनी फालतू में, ऐसा मन कर रहा है ना इतनी गाली दूँ इस मॉड को, कोई भी मॉड हो गाइस, अगर आपको अल्फा डायनो टेम करना है प्राइमल फेयर में तो आपको पहले टॉक्सिक वाले डायनोस का अंडा शंडा चाहिए होता है बराबर। मैंने सिंपली ये सोचा अल्फा रेक्स से, अभी अल्फा रेक्स का भाई सैडल बनाना है तो थोड़े अल्फा रेक्स का अंडा मांगेंगे, नॉर्मल रेक्स का अंडा मांगेंगे, इसलिए मैंने दो नॉर्मल रेक्स पागल की तरह टीम करे, और अभी मुझे जाके पता चल रहा है कि मुझे अल्फा रेक्स ही चाहिए, किधर भुक्के मारूं मैं, घूम रहा है मेरा भाई, भाई सच में यार ये मॉड मेरा दिमाग खराब कर देगा भाई। अभी मैं एक और ये चाहते कि मैं जाऊं एक और अल्फा रेक्स टेम करके लाऊं
और इन दोनों का मेटिंग करके इनका अंडा निकालूं मैं? ये लोग ये चाहते हैं? एक रेक्स टेम करने के लिए मेरी फटके हाथ में आ गई, पूरे बोल रहे एक और टेम करके लेके आऊं। भाई सच में मेरे को पागल कर देगा है मॉड गाइस, सच में पागल कर देगा मुझे। मैंने पहले देखा तो था, पहले मैंने अल्फा नाम पढ़ा नहीं क्या रेक्स का? अल्फा रेक्स सैडल। भाई तू अल्फा रेक्स ही है ना पक्का? अरे यार सच में एक और अल्फा रेक्स लेके आऊं मैं अभी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो रखी है गाइस, मैं क्या करूं बताओ अभी क्या करूं भाई? वो कंगना रनौत का डायलॉग नहीं होता है, पर वो यहाँ पे मारने का मन कर रहा है मेरे को भाई। अब मेरी तो जिंदगी इतनी खराब हो रखी है भाई, क्या कैसा गेम है यार ये चोमू भाई, कैसा चमन भाई, घटिया गेम है भाई, क्या मॉड है भाई ये? कंट्रोल भाई क्या कर सकते हैं अभी, और चलो जिंदगी बर्बाद हो रखी है मेरी बर्बाद। दियो भाई दियो दियो दे दे बद यार, एक अल्फा रेक्स देखा है मैंने, किस्मत ने साथ दिया तो शायद से उसको हम लोग नॉकआउट कर पाएंगे, किस्मत ने साथ दिया तो, किस्मत अगर अपनी झंड रही तो मरेंगे भाई कुत्ते की मौत बहुत ज़्यादा बार। देखते चलो अभी किस्मत में क्या लिखा है, मरना या उस अल्फा रेक्स को टेम करना। भाई यार ये एक तो ये फ्यूनिक्स मुझे बहुत उंगली करेगा यहाँ पे, ये फ्यूनिक्स के नीचे वो रेक्स बैठा हुआ है। मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो रखी है ना, मैंने फालतू में दो रेक्स टेम करने में अपनी पूरी की पूरे 30-40 मिनट वेस्ट कर दिए फालतू में, लिटरली भाई कोई जरूरत नहीं थी। आज अब तुम मार लो मुझे पता है यार, तुम में से कोई ना कोई आके मुझे मार ही देगा पता है मेरे को। अभी वो रेक्स का आ गया, मैंने अभी यहाँ पे रेक्स देखा था, आपको भी पता होगा मैंने आपको भी दिखाया था अल्फा रेक्स से करके वो रहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, देखो ज़्यादा मैं हवा में उड़ूंगा तो मेरी पेटी तो बनेगी, तो मैं यहाँ पे आराम से छुपे बैठता हूँ। दिमाग में आइडिया है मेरे मस्त भाई, और मैं इस रेक्स को टेम करने के लिए अल्फा वाले यहाँ पे चिपक के बैठ जाऊँगा, रेक्स ये नीचे ना गिर जाए बस। मेरी जिंदगी झंड है भाई, अभी यहाँ पे घूम रहा था वो अभी रेक्स नीचे जाके गिरा है, मैंने मास्टर प्लान बनाया ऑन दी स्पॉट, वो रेक्स नीचे जाके गिर गया, वो देखो वहाँ पे गई भाई। आ जाओ ऊपर भाई, मेरे को बताने तेरे को ऊपर आना पड़ेगा भाई, आ जाओ ऊपर, या ये ट्राई कर रहा है ऊपर आने की, मतलब इसको भी मेरे को मारने के लिए ऊपर आना है। अबे भाई हाथ थुई, जिंदगी झंड है भाई मेरी, सच में ऐसे नहीं बोल रहा मैं, सच में मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा झंड है। तो कुछ साथ दे रही है भाई, वहां पे चढ़ के वापस से बाइट अटैक ना दे मेरे को, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, मुंह पे आ गया भाई सीधा वो पप्पी देने के लिए, मैं डर गया भाई पूरा। अभी और नीचे जा भाई जा, कूद जा और नीचे जा, सच में कूद गया क्या? ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है ताकि मेरे को मार सके, ले ले बेटा ले, क्या किस्मत है भाई मेरी सच में भाई, हो जाना टेम यहाँ। रेक्स क्या कर रहा भाई तू, रेक्स क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा भाई तू, कहाँ गया, गया कहाँ? अबे गया कहाँ? गुफा के अंदर, थोड़ा सा बहन का भाई है क्या ये रेक्स, गुफा के अंदर जा रहा है। चलो 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 गाइस आराम से अभी इसको नॉकआउट करने की ट्राई कर रहा हूँ, कोई मुझे उंगली करने ना आए, शांति से मेरा एक एपिसोड निकल जाए खुश हो जाऊंगा मैं।
हाँ भाई ये कर ले पहले, ये कर ले, रुको गुफा से दूर जाना पड़ेगा मुझे, वरना ये ना ऐसे पागल की तरह गुफा के अंदर जाते रहेगा। आना बाहर, आ रहा, वापस गुफा में मत जाना भाई, ठीक है रुक, मार रहा भाई तेरे को। हाँ रिटर्न आ जा, रिटर्न आ जा भाई, रिटर्न आ। 30,000 टॉरपुर चढ़ा दिए, 1,90,000 पर चढ़ाना बाकी है, 90,000 बस। मर गया, छोड़, भर गए दिन, भर गए। मार दे भाई, मार दे मार दे। न्यूको है ना तू, टॉक्सिक भाई, टॉक्सिक है छोटू सा, बच सकता हूँ मैं, बच सक। मेरे तो भाई जिंदगी झंड कर रखी है इन लोग ने, मार मार के भूत बना रहे गाइस, मार के भूत बना रहे, सारे डायनोस आके मार के जा रहे मेरे को भाई, मेरे को इज्जत ही नहीं है समाज में भाई, सब आके मार के जा रहे, शांति से एक डायनो टेम नहीं करने दे रहा मेरे को कोई, शांति से बैठ के सोचता हूँ भाई हाँ चलो इसको टेम करूंगा, नहीं भाई कोई ना कोई आके मार के जाता ही जाता है भाई। अभी उस रेक्स को भी मैं आराम से नॉकआउट कर सकता था, वो अटक गया था वहां पे, नहीं भाई ये टॉक्सिक वाइब्रेट ने सोचा भाई ऐसे कैसे भाई, ये मॉड भाई ऐसे इतने आसानी से कैसे खेल पाएगा तू। लो वहाँ पे अभी वो वाइब्रेंट भी आ गया बड़ा वाला, की तो संभल के थोड़ा संभल के, वो वाइब्रेंट बहन का भाई है यार बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। अबे वो ग्रैपलिंग क्यों चेंज हो जाता है यहाँ से हमेशा, ग्रैपलिंग लगे मैं स्पाइडरमैन की तरह यहाँ पे चिपक के बैठ रहा हूँ, ठीक है अभी कोई आना नहीं फालतू में उंगली करने, मेरे को आराम से नॉकआउट कर रहा हूँ मैं, 50,000 टॉरपोर मैंने चढ़ा दिया इसको, कोई आए ना प्लीज, प्लीज कोई ना आए भाई, आराम से नॉक कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, 60,000 टॉरपोर चढ़ा दिया है मैंने, बस 5-6 बार और मारूंगा ना वो अटक भी चुका है गाइस वहां पे, कोई आ ना जाए, 50,000 और टॉरपोर हेड पे मारू, ज्यादा टॉरपोर चढ़े मैंने, 80,000 चढ़ गया, 80,000 टॉरपोर चढ़ चुका है गाइस इसको, हाँ भाग रहा है तो भाग जा कोई प्रॉब्लम नहीं, 90,000 टॉरपोर चढ़ चुका है, 1,00,000 टॉरपोर चढ़ने वाला है अभी, 1,00,000 टॉरपोर चढ़ने वाला है अभी ऑलमोस्ट भाई, 2-3 और रिलोड मार दूंगा ना इसके ऊपर पूरे खाली कर दूंगा ना, नॉकआउट हो जाएगा, 1,00,000 टॉरपोर बस अभी, 20,000 और टॉरपोर चढ़ना बाकी है, बस अभी ये वाइब्रेंट पीछे पड़ गया, तेरी क्या मैंने गर्लफ्रेंड चुरा के भाग गया था कह रहे मैं, ये वाइब्रेंट तेरी मेरे से पर्सनल क्या दुश्मन ये रे, क्यों फालतू में पीछे पड़ रहा मेरे, क्या क्या करा क्या है मैंने तेरे साथ भाई, क्या करा है, टॉक्सिक तो है भाई तेरी तो माई, रुक जा भाड़ में जाए, ब्रेक्स के ऊपर फोकस करेंगे इसकी भाई, रुको मर जाऊंगा नीचे कूद के, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेक्स को जाके बस एक रिलोड मारना है गोली का अपने बुलेट्स का, वो बेहोश हो जाएगा, फिर मैं उनका भाई अंडा निकाल के फाइनली आज के एपिसोड में शायद से उस रेक्स को चला पाऊंगा। अभी ये मत बोलो कि अंडा निकलने के लिए उनका 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर तो भाई मेरा जो दिमाग माता घूमेगा ना यार सच में भाई। अभी मैं वो डायनो को टीम भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो भी चुका है, बस एक रिलोड गाइस, एक रिलोड उसके ऊपर मारना है, गेम ओवर उसका, सीधा नॉकआउट। और ये वाइब्रेंट को भी मैं देख लूंगा, रुको ये वाइब्रेंट को ना कुछ ज़्यादा ही चुल मची है उड़ता हुआ तीर लेने की, इसको भी ठीक करूंगा मैं अच्छे से, कोई सीन नहीं, वो अभी मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसका खुद की बैंड बची पड़ी है, तो मेरे पे हमला कैसे करेगा, ठीक है उसकी खुद की पहले से बची पड़ी है, नाइस विन जीजे, कोई अभी उंगली करने ना है इसको, ये लो टेम हो जा, क्रायो करो जल्दी जल्दी से क्रायो करो, लेट्स गो, मजे ही मजे बॉयज, फाइनली इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद एक और रेक्स हमको मिल चुका है, ये लो लेवल का रेक्स है, इसको बस मीटिंग कराने के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि इसका मैं ब्रीडिंग करा सकूं अपने वाले रेक्स के साथ। अपना रेक्स कौन है, मेल फीमेल, पैरासोर तो साइड में बैठे रहना, ऐसा बीच में कहीं को आता रे बाबा, इधर रहे, ठीक है। सो ये वाला जो रेक्स है, इस वाले रेक्स के साथ
इसका मेटिंग ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अंडा दियो भाई, अंडा दियो, फर्टिलाइज अंडा, बिहेवियर इनेबल मेटिंग, बिहेवियर इनेबल मेटिंग, कितना टाइम, 3%, 4 भाई हो गया, फाइनली फाइनली गाइज, इतने स्ट्रगल के बाद हो रहा है इनका मेटिंग, रुको मेटिंग हो रहा है और अंडा भी मिलने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ भाई कि हमारा जो रेक्स है इसका यहाँ पे जो है ना मेटिंग चालू हो चुका है, अंडा हम लोग को मिलने वाला है। 30% गाइज इनका मेटिंग हो चुका है, बस अभी हमको इंतज़ार करना है और मैं इस रेक्स को चला पाऊँ। सोचो गाइज, इतना मेहनत करके इसका मैं सैडल बनाऊँ, इसको मैं चलाने के लिए लेके जाऊँ, और एक कोई चमन सा बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला वाइवरन या डायनो आए एक फटके में मेरे रेक्स को मार के जाए, तो क्या होगा भाई, क्या होगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये होगा, इसके 90% चांसेस है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं रेक्स को वापस रिवाइव करूँगा। ओके, मैं वापस से जाके भाई आधा एक घंटा वेस्ट करके रेक्स को टेम नहीं करने वाला हूँ, मैं रेक्स को वापस रिवाइव करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है। मेरी किस्मत जो है ना इस मॉड में कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी मैं इनका ब्रीडिंग कर रहा हूँ, 70% का इस ब्रीडिंग हो चुका है, अंडा किसी भी वक्त हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भाई ये जो अलग अलग तरह, एक मिनट रुक जाओ, पहले तो क्रॉपलॉड बनाए भाई, पहले क्रॉपलॉड बनाए, बहुत ज़्यादा क्रॉपलॉड बनाए, 10 क्रॉपलॉड बनाए, और अलग अलग तरह की जितनी भी गाइस वेजिटेबल्स हैं उन सारी वेजिटेबल को मैं उगाने के लिए डाल देता हूँ अभी, ठीक है गाइस, सारी वेजिटेबल को उगाने के लिए डाल देना, क्योंकि इन वेजिटेबल की ज़रूरत आगे पड़ेगी और आगे फिर फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। यार ये रेक्स होने वाला है, रुको, चलो गाइस इस रेक्स के अंडे का वो कर लेता हूँ पहले। अंडा दियो फर्टिलाइज वाला, तो क्राई हो जा, अल्फा एक मिल चुका है मेरे को फर्टिलाइज वाला, ठीक है, एक का डबल करने के लिए डाल दिया मैंने, एक का डबल हो चुका है ना, स्प्लिट ऑल करके इसके अंदर डाल देता हूँ फ्रिज के, ठीक है गाइस, फ्रिज के अंदर डाल देता हूँ। सैडल बनाने के लिए फर्टिलाइज वाला एक कौन मांगता है बताओ, अल्फा फर्टिलाइज एक और नॉर्मल फर्टिलाइजर एक्स के एक में क्या डिफरेंस है बताना, सेम ही तो लग रहा है, वही भाई ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता, नहीं करा लेकिन, चलो फाइनली गाइज, इतनी मेहनत और स्ट्रगल के, मजाक कर रहा है क्या, फर्टिलाइज अल्फा रेक्स तो ये क्या है भाई, ये क्या अल्फा रेक्स अंडा नहीं है तो ये क्या है ना भाई, ये बता तो क्या है भाई, रुको इसके अंदर डालने दो, खींच नहीं पा रहा होगा शायद से, रुको खींच नहीं पा रहा होगा अभी, हाँ फाइनली गाइज मैंने इसका सैडल बना लिया यार। ओ भाई ये सैडल ले भाई, ये पहले सैडल ले भाई, पहले इसके अंदर ट्रैकर डाल लूँ मैं भाई, भाई ट्रैकर बना लूँ 10x10 ट्रैकर। अरे कुक्ड पिरामिड नहीं है, पिरामिड है मेरे पास नहीं है, ट्रैकर नहीं डाल सकता, वेट में एक पॉइंट डाल रहा हूँ भाई, इसकी लेवल अप करनी यार मेरे को तगड़ी वाली भाई, ये मरना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, हमारी जान जाए तो जाए लेकिन हमारा रेक्स ना मर पाए, ठीक है। पहली बता रहा हूँ मैं आपको, मिली डैमेज में भर भर के पॉइंट डाल दिए भाई, एफएम के वाला तो पोशन भी खा, एक्सपी पोशन भी ले, पिरामिड लेके आके ट्रैकर भी बना लेता हूँ मैं, ये एक्सपी पोशन भी खा ले, लुक देखना भाई, ये ऑर्डर देखो ना भाई, देख रहा हूँ, देख रहे हो ये ऑर्डर कैसे जंपे मार रहे, छलांगे मार रहे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है गाइस, ये हमारा ऑर्डर देखो, इसके सर पे एक ऑर्डर बैठा हुआ है, इसके पास बाइट अटैक है, रोड कर रहा है अल्फा के पास, मुझे नहीं लग रहा खास कुछ एबिलिटी होगी जितना मेरा आइडिया है ना, बस एक अटैक है बाइट अटैक, चलो कोई सीन नहीं है, इतने से काम चला लूंगा, तेरा बाइट अटैक बस पावरफुल निकले थोड़ा थोड़ा, उससे पंगा ना हो प्लीज भाई, मुझे इसकी मैक्स लेवल करनी है जल्दी से। ये ऑर्डर गाइस कितना क्यूट लग रहा है और करके आवाज भी निकाल रहा है, शॉटगन के शेल देखो मेरे आजू बाजू लगे हुए हैं और काफी खतरनाक लग रहा है ये, तो अभी इसको पहले मारो एंड्रू, वा आपको पता होगा जो अर्जेंट डेविस होते हैं, वो अर्जेंट डेविस जब भी किसी अपने टारगेट को मारते हैं तो उनको एक रीजेन मिलता है, वो रीजेन एबिलिटी इसके पास है, देखना इसके मुंह के अंदर से वो हीलिंग वाली एबिलिटी निकल रही है। रुको इसको मैक्स लेवल कर लो भाई, मैक्स लेवल हो चुका है, हेल्थ कितनी है, मेरे हिसाब से इनफी है, जितनी चाहिए उतनी ही है, 3.7 मिलियन, और वो जो आसमान में उड़ रहे उन डायनोज की हेल्थ कितनी है, मुझे लग रहा है भाई मैं अभी फेल सकता हूँ भाई, मैं भाई हीलिंग क्वेश्चन बना लूँ वरना रस्ते में भाई मेरे और मेरे डायनो दोनों की पेटी बन जाएगी, थोड़े हीलिंग क्वेश्चन बना लूँ
भाई 2 लाख का डैमेज जा रहा है, मैं काफी कुछ हूँ। 2 लाख डैमेज भी मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी चीज है भाई, काफी ज्यादा बड़ी चीज है भाई। 2 लाख डैमेज भी मैं काफी कुछ हूँ गाइस, इसका 2 लाख डैमेज हुए जो जा रहा है। मुझे ना गाइस एक एक्सलेटेड वाले डायनो को मारना है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे भी एक्सलेटेड वाला ना वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, नार्कोटिक। एक्सलेटेड वाले नार्कोटिक को बनाना है गाइस मुझे, ठीक है। और उसको मारने के लिए हमारा ये रेक्स जो है ना गाइस वो बेस्ट रहेगा। मैं एक्सलेटेड वाले ब्लड का जुगाड़ कर लेता हूँ। रुको, ये रेक्स के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, इसको इवॉल्व करेंगे तब जाके इसके पास स्पेशल एबिलिटी आएगी, वो भी 3-4 इवोल्यूशन के बाद। इतने जल्दी इसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं आने वाली है, बट डैमेज काफी बढ़िया जा रहा है। अभी इसका इस्तेमाल हम एक महान काम में करने वाले हैं। वो महान काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसको पहले तो पिरामिड में यहाँ से ले लूँ। क्वार्टर भाई कॉक 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 बाद में कर ले, मुर्गी की तरह क्या कर रहा भाई तू, कॉक 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 कॉक। एक्सलेटेड डायनो को मार के उसका ब्लड लाना है, ठीक है। अरे इवोल्यूशन के लिए उसकी सोल भी चाहिए होगी। एक्सलेटेड वाला कोई ऐसा डायनो जिसकी हमको जरूरत नहीं है, ऐसा डायनो ढूंढना है मुझे जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे एक एक्सलेटेड वाला रेक्स ऊपर दिखा है, बट प्रॉब्लम क्या है बताएं, मुझे उस एक्सलेटेड वाले रेक्स के सोल की जरूरत पड़ेगी अपने डायनो को इवॉल्व करने के लिए। सो वहाँ पे थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफ शिट, ये कोई नॉर्मल नहीं है, एलिमेंटल भाई, दूर ही रहूँगा मैं इससे, फालतू में मरना नहीं है मुझे। एक्सलेटेड वाला कोई भी डायनो मिल जाए रेक्स को छोड़ के। ये क्या है, 17 मिलियन डोमिनोज भाई, रेन दो भाई, आई डोंट लाइक डोमिनोज भाई, रेन दो। ये रहा ना, इट्स टॉक्सिक, टॉक्सिक है। ओ एक्सलेटेड है ना, डोमिनोज उगली नहीं करेगा ना, एक्सलेटेड सेबर तो है। ये क्या चीज़ है, एक्सलेटेड डिओडोकोरस भी है, ठीक। ये ठीक नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ही है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड का जुगाड़ में करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तेरे झांसे में आने वाला है, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, खतरा बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, जल्दी निकलो। ये कौन है, मॉन्स्टर, कैसी, हाँ बच गया, बच गया भाई, मरते मरते बचाओ भाई, बाल बाल बच गया। हाँ ब्लड मिल गया, एक ब्लेडेड और एक और कोई तो ब्लड मिला है मेरे को, मौत को चुके डक्कर से वापस आ गया। रुक जाओ, क्राय कर लो इसको। वो वाइब्रन देखो यार, ये वाइब्रन मेरे घर के आजू बाजू घूम रहा है, मेरे को डर लग रहा है भाई थोड़ा सा। मुझे वो इफेक्ट भी पड़ा हुआ है गाइस इनका, ठीक है रुको। हाँ भाई थैच, थैच डाल दो, पिरामिड चाहिए मुझे ट्रैकर के लिए। बच गया भाई, मरते मरते बच गया, मौत को चुके टक्कर से वापस आ गए तेरा भाई, ठीक है। मिड कुक करने के लिए डाल दिया मैंने प्राइम वाला भी। अभी जो ब्लड शेड मिला है वो हार्ट भी मिला है, ये हार्ट की भी जरूरत पड़ेगी। टॉक्सिक हाइड, हाइड कितना, यहाँ पे हाइड डाल रखा है कहीं पर, ये निकालो, निकालो भाई, इतना हाइड की जरूरत नहीं पड़ती है, इनफ होता है भाई इतना हाइड का, ठीक है। यहाँ पे वाला हाइड डाल दूंगा, ये हाइड इनफ होगा क्योंकि मुझे सिल्क बनाने के लिए हाइड की जरूरत पड़ेगी और किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। सो हाइड और ब्लड की जरूरत एक टाइम पे पड़ सकती है हमको, ब्लड रख देता हूँ रुको। मुझे वॉल्ट वगैरह बनानी पड़ेगी ब्लड वगैरह रखने के लिए ना, इसके अंदर मैं हार्ट भी डाल देता हूँ, ठीक है हार्ट भी डाल दिया। ब्लड कितने हैं मेरे पास, ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा है, ब्लड ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे हार्ट डाल देता हूँ। अल्फा वाले ब्लड की भी ज़रूरत नहीं है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा है अभी अल्फा ब्लड वगैरह, मैं यहाँ पे रख देता हूँ हाइड और अल्फा ब्लड, काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो 10-10, 20-20 हज़ार है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वापस से गाइस यहाँ पे उसको एक का डबल करने के लिए डाल देगा अपने क्रॉप फ्लॉड में। अभी मैंने यहाँ पे एक्सलेटेड वाला और दूसरा क्या है, टॉक्सिक है क्या, इट्स टॉक्सिक, हाँ टॉक्सिक और एक्सलेटेड वाला हाइड और ब्लड जो है गाइस वो मैं लेके आ चुका हूँ। अभी मुझे अपनी डायनो को अगर इवॉल्व करना है तो मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही और मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है मैं अभी आपको नहीं दिखाता हूँ। अभी के लिए आज का एपिसोड अपने रिक्स को सैडल बना के चलाने के साथ ही यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको हमारा अल्फा वाला रिक्स कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के, आर्क डू और डाई के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। You and me.
And how careless we can be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.